हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमलता खाती, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेमलता कुकिंग कॉर्नर में। आज मैं आपके साथ परवल की मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, बच्चे सब्जी खाने में कितना नखरे करते हैं। अगर उन्हें इसी तरह सब्जी की मिठाई बना के दे दी जाए तो बच्चे पूरी प्लेट चट कर सकते हैं। तो क्यों ना आज बच्चों के लिए इस परवल की सब्जी की मिठाई बनाई जाए, जिससे बच्चे सब्जी भी खा लें और उन्हें पता भी ना चले। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरी नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिठाई बनाने के लिए हमें चाहिए परवल। मैंने लगभग 12 से 13 परवल ले लिए हैं और मैं इन्हें छील लूँगी। छीलने के बाद मैं इसमें एक कट लगाऊंगी और उसके अंदर से इसके सारे बीज बाहर निकाल लूँगी। मैं स्पून की हेल्प से निकाल रही हूँ, आप चाहे तो फिंगर से भी निकाल सकते हैं। देखिए, मैंने सभी परवल को छीलकर उनके बीज निकाल लिए हैं। अब हम इन परवल को हल्का ग्रीन कलर देंगे, बट कोई कलर यूज नहीं करेंगे। इन्हें कलर देने के लिए हम एक पैन में पानी बॉईल होने रखेंगे। उसमें मैंने डाल दिया है 1/3 स्पून बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं। उसके बाद हम अपने इन परवल को इसमें डाल देंगे और इन्हें अच्छे से पानी में डिप करेंगे। इसके बाद हम इसे 1 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। देखिए, इसमें एक अच्छा बॉईल आ चुका है और हमारे परवल का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इन परवल को स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। अब हम परवल के लिए चाशनी बनाएंगे। मैंने 1 कप चीनी पैन में डाल दी है और 1/2 कप पानी। हमें एक तार की चाशनी बनानी है। इसे लगातार चलाते रहेंगे। हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें सभी परवल को डाल देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें चाशनी में ही बॉईल होने देंगे। परवल को मैंने चाशनी में ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। मैंने लगभग 250 ग्राम खोया, जिसे मावा भी कहते हैं, वो ले लिया है। अब हम इसे भून लेंगे। अब हम इसमें 2 से 3 स्पून पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स और 1 स्पून इलायची पाउडर। अब हमारी स्टफिंग रेडी है। परवल भी ठंडे हो चुके हैं। अब मैं एक परवल आपको फिल करके दिखाऊंगी। देखिए, मैंने एक परवल निकाल लिया है। अब मैं इसमें स्टफिंग फिल कर रही हूँ। हल्के हाथों से इसे शेप दे देंगे और मैं इसे कुछ ड्राई फ्रूट्स के टुकड़ों से गार्निश कर लूंगी। इसी तरह मैं बाकी के परवल को भी फिल कर लूंगी। मैंने सभी परवल रेडी कर लिए हैं। चलिए इन्हें सर्व करते हैं। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर तैयार है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।